उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। बेटा, तुम भी आगे बढ़ो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तुम्हारे डैड के जाने के बाद मेरे पास तुम एक वाहिद सहारा हो। अगर तुम मुझे नजरअंदाज कर दोगे तो मैं कैसे जीऊंगी? मां, मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, हर बात मानता हूँ। आप मेरे इमोशंस का ख्याल नहीं कर सकती। मुझसे नहीं देखा जाता, मुझसे तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता। मैं ठीक हूं मॉम, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें इस हाल में देख के मेरे ऊपर क्या गुजरती है। मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारे कल के बारे में सोचना मेरी जरूरत है। जिस लड़की की याद में तुम शोक बना रहे हो वो तो आगे बढ़ चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। बेटा, तुम भी आगे बढ़ो। इतना आसान नहीं है बेटा। वक्त दर्द का सबसे बड़ा मरहम है और जिंदगी का आगाज करने की तरफ इशारा। तुम फाहा के बारे में सोचो। ओह, हम प्लीज ये फाहा वाला चैप्टर क्लोज कर सकते हैं? तुम्हें वो दिखाई नहीं देती, तुम्हें नजर नहीं आता वो कितना कुछ कर रही है तुम्हें तुम्हें अपने दर्द से दूर करने की। Can't you see her emotions? मुझे फाहा की जरूरत नहीं है, आप उसे बोलने के अपना वक्त बर्बाद ना करें। तुम्हें उसे शॉपिंग ले जाना चाहिए था, तुम्हें ना नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों को मौका मिलता है दूसरे को जानने की।